आज देखने वाले हैं ये। उसके बाद ये आदिवासी का बात कोई नहीं सुनता है तो हम लोग खुद से ही ज्यादा लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं भी हूँ, चलो दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैं ऊटी के सावन रिपोर्टर, हाईवे एंड माईवे यूट्यूब क्रिएटर। देखिए, और यहाँ पे अल्बर्ट दादा सर, अल्बर्ट दादा लोग हैं और सब कोई है। तो यहाँ पे अल्बर्ट दादा देखिए, वो रहा अल्बर्ट दादा। ये सब हमेशा जगह जमीन के लिए लड़ाई किए हैं, ठीक है? तो वो सबका यादगार के लिए फोटो रखा गया ना जी। उसके बाद ये भी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के शुरुआत ही के ग्राम सभा के मंजूरी। उसके बाद ये भी जो मेरा हमारे मुख्यमंत्री विरोधी दल में रहे, आदिवासी लेकर बहुत कुछ कहा रहे, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री होले पहले नोटिफिकेशन होले अनावत जगह के खाली करू के उस चीज के हमारे विधायक विरोध कर लाए। तो चलो सवान इंट्रो लगाओ, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। आप सबको जोहार। मैं सवान आप सबको मेरे हाईवे एंड माईवे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं छगरपुर में, और छगरपुर में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और प्रोग्राम क्या चीज है, चलिए हम जानते हैं। हमारे गांव से मोनिका और एलिन एंड खुशी हमारे साथ में खड़े हैं, तो आज का प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। क्या प्रोग्राम है थोड़ा सा बताओ मोनिका। आज के डेट में तोरे आयोग नहीं पड़ला, कोई दिक्कत नहीं, ईगो हर साल मना जा सके, लेकिन टेंशन लेके वाला बात नहीं, इबर आयोग नहीं पड़ला, नेक्स्ट अगले साल जरूर पक्का आबा, इन्फॉर्मेशन देवाल जाए, ठीक है? और कुछ कहना चाहबा? और इन्हें भी ढेर सारा मैंने बैठा नहीं बैठे तनिक दिखा दे। हेलो, हाय किरपा, हेलो, जोर 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 जोर, ठीक है? तो इतना देखा तो सो मैंने फुल एक्साइटेड, तो प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुई है। तो चला ये कहाँ देखा था? तो ये मैंने जो आई चीफ गेस्ट मैंने आए बोला है, तो मन के क्या कहना, स्वागत के लगन खड़ा है। तो चला ये वीडियो में बनल रहा। हाँ, एक तो बात कहना चाहो कि तोरे मैंने बोर हो बिल्कुल भी नहीं देवो, कहे कि जहाँ मुझे बोर लाख लगल वह खुद कट के निकला देवो से, लेकिन टेंशन लगभग नहीं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखा। और जहाँ अगर बहुत बड़का वीडियो बनाते लिखे लगी तो मैं दो भाग करवा, दो भाग में भी बड़का हुई तो तीन भाग करवा। तो चला एक मेरा दोस्त है जो कि आज भी ड्यूटी कर रहा है, साला को डांटेंगे अभी। मेरा दोस्त ही है, मेरा दोस्त ही है जो कि गाड़ी चला रहे हैं। तो क्या प्रोग्राम है नहीं बता रहे कि कितना खर्चा में फैसला बताओ तो क्या। हमारा दोस्त है, चल छुट्टी करके आओ जल्दी। एक मिनट मैंने लेट कर दिया। यहाँ पे कुछ भाई बहन है जो कि ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जो कि मेरे को नहीं पता है, बस वो लोग बताएंगे अपना गांव ना। दादा ब्लड डोनेट कर दे लेने, दे तो नाम बता दे। प्रफुल गुजूर। कहाँ से? जगरपुर। जगरपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। ई ब्लड में केकरो ना केकरो जान बची, नाम बता दे। सुशांत एक्का जगरपुर। अच्छा ठीक है, ब्लड डोनेट कर दिए हैं। और अगर आप लोग इस आज के दिन में ब्लड डोनेट नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में अगर आप लोग को कहीं भी अगर किसी को जरूरत होता है तो याद रखिए, वो भगवान आपके पास में भेजता है कि ब्लड जरूरत पड़ रहा है बोल के, तो आप लोग बिना हिचकिचाए उसको ब्लड देना जरूर, ठीक है? तो कोनो कहत रही, हाँ हाँ हो आवा थो कोनो कहत रही। हाँ, हमें एकायोग खुशी भी देखे चाहिए, परिवार के खुशी भी देखे चाहिए, ब्लड डोनेट के जरिए से। अच्छा, तो नहीं देवे, समय अभी होले जरूर दो। अच्छा ठीक है, और लोगों से मिलाते हैं। तो और दो टू भाई लोग यहाँ पे दे चुके हैं, उसके बाद शायद मेरा नंबर आएगा। दादा नाम बताओ।
आकाश पन्ना फ्रॉम झगरपुर ओके दादा तुम्हें बताओ आशीष पन्ना फ्रॉम झगरपुर ठीक है तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि 4-5 लोग गिने चुने दे चुके हैं उसके बाद अभी तो भीड़ भी नहीं हुआ है फिर भी यहाँ पे देना चालू हो गया सोचो ये आदिवासी लोग कितना मस्त काम कर रहे हैं बहुत प्राउड हो रहा है मेरे को आज चल बस रुलाएगा क्या बहुत खुश लगा थे मैंने मिला था ना बहुत दिन कर बाद है ना जी कितना खुशी लगा थे बहुत खुशी ने हाँ देखे परत रहा सब मन के जाने के परत रहा मैंने माटी बचाओ मन कर मतलब माटी बचाओ में बहुत आगे आगे रहे ना जी कहाँ पीछे नहीं रहे ना ये हैकर गर्ल देखिए यहाँ पे है आई है हैकर मत बोलिए क्या आपका अकाउंट हैकर नहीं हुआ है हाँ तो इसीलिए हैकर बोल रहे हैं आपको साहब नोच लीजिए ठीक है उसका साहब कैसे लेंगे थोड़ा ही लेंगे ना नहीं 2-3 लीटर निकाल लीजिए चलिए मैं बताना चाहूँ इसका नाम नेहा लकड़ा है ना जी लेकिन हमारे मन आदिवासी है कि जमींदार है कि तो जमीन हमारे पहचान बहुत सुंदर दिशा था देखा सुना जगा तोरे आदिवासी भाई बहन माँ
ये मन भी बाइक मन नहीं लगी थी वो मन 10 मिनट बाद झगरपुर बस स्टेशन पर जाप और वहां से हम गेस्ट मन के देवता के नाम और बाकी जितना भी बाइक वाला मन रही तो मन डबल डबल हुई के रानी बंगोटे जाओ अभी हम लोग बिरसा मुंडा स्टैचू को हम लोग माला पहनाने के बाद में उसको सम्मानित करने के बाद में हम लोग चलेंगे उसी प्रोग्राम की ओर जहाँ पे हम लोग का आदिवासी दिवस मना रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पूरा प्रोग्राम में बने रहिएगा। बाय द वे आप लोग अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, ये क्या दिक्कत है? थोड़ा सा बताइए, लाइक और कमेंट में कमी मत कीजिएगा। और बाय द वे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे दुख लगेगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके ही रखना। ठीक है गाइस, क्रिएटर देखिए। और यहाँ पे अल्बर्ट दादा सर, अल्बर्ट दादा लोग हैं और सब कोई है।
तो यहाँ पे अल्बर्ट दादा देखिए वो रहा अल्बर्ट दादा लोग, और ये सब हमेशा जगह जमीन के लिए लड़ाई किए हैं, ठीक है। तो वो सबका यादगार के लिए फोटो रखा गया ना जी। यहाँ देखिए और भी ढेर सारे लोग, ये दीदी तो जानते हैं ना, घेरा तोड़ के वो क्या बोलते कलेक्टर ऑफिस में घेरा कूद गया था, उसके बाद में और एक तो दीदी कहाँ गया, कलेक्टर ऑफिस में घेरा तोड़ के गया था, वो मिलेगा तो दिखाएंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। और हाँ, स्वागत के लिए यहाँ पे पानी बरसा रहे हैं हम लोग का, बारिश में भी कमी पड़ गया है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोनिका माहौल कैसा लग रहा है बताओ? अरे डांस करने का इच्छा नहीं हो रहा है क्या? साड़ी? अरे नाचो जी, झूम के नाचो। तो यहाँ पे अतिथि लोगों को कैसे पानी बरसा के लेके आ रहे हैं? अशोक दादा जोहार जोहार। तो यहाँ पे और भी ढेर सारे स्वागत करते हुए उमन के हैं, आशा करें कि आई हमारी खुशी के दिन में हमारे साथ हैं, हमार बात मन के, हमार सोच मन के, हमार अधिकार मन के, हाक मन के पूर्ण मात्रा में हंसते खुशते खुशी होते नाचते देखते हमारे मनों के खुशी मना। तो आज के इस सभा में मैं हमारे भुतिया मन के साथ हमार जितना भी प्रतिनिधि मन है, सरपंच समिति वार्ड मेंबर काउंसिलर और हमार ओराम मुंडा खड़िया जाति राजामन और उकर कमिटी मना है होले उमन हमार भुतिया मन के साथ में हमार मंच बटिया पाए ओकर साथ साथ हमार तेसरा मलेरिया के जे बुजुर्ग अबामन ही जे मन हमार समाज के सेवा कर काम करा थी, हमार गिरजा के सेवा कर काम करा थी, पढ़ा के सेवा कर काम करा थी, सारना के सेवा तो रावरे मन के न्योता करें एखन ये हमार भत्के बटे रावरे मन थोड़ी देर लेकिन बैठ जाओ। तो हमार गोपिया मन हमार आयो मन के स्वागत के गीत के साथ में ताल 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 में ताल से मिला के आज हमारे बीच में पहुंच है उमन के हमारे मन स्वागत करें ऊपर साथ जागरपुर किसान टोली के राय मन के मैं अनुरोध करबो उमन हाथ धोई अबा मन भी हैं उमन के भी एक एक ध्यान करके नाम नहीं बोला था। तो हमार बीच में सरपंच रीला काउंसिलर सुस्मिता टिडू सरपंच आदित्य उराम राजा लॉरेंस महोदय उकर साथ साथ हमार अबा इंग्लूस Yeah.
हे गाइस, ये वीडियो मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया है बट यूट्यूब में नहीं डाल सकता क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सो आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो इंस्टाग्राम में मुझे कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोग को ये वीडियो दे दूंगा। धन्यवाद। गेस्ट आले जे भी दाई धो रहा है फूल है उके चुटाए के दवा फूल कभी ना किना कारण की ये हमारा अस्तित्व के दर्शाएला तो खुश लगलक इके पाए के बड़े सवाल रहे मन के सामने रखे खजन का भारत देश में आदिवासी आहाय कि नहीं का कहा थी आहाय कि नहीं रौरेमन अपने आप के आदिवासी कहा थी और आहाय कहा थी नहीं लेकिन एखन तक भारत सरकार स्वीकार नहीं कर रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार नहीं कह रहे कि आदिवासी मान भारत देश में आए कह के हमरे मन के का कहें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब हमरे मन के कहे ना और जेनेवा जेनेवा में पूछा गया का भारत देश में आदिवासी मन है भारत देश के जे रिप्रेजेंटेटिव रहे जे प्रतिनिधि रहे वो कहा भारत देश में आदिवासी वर्ण था हमने कहे हुआ थे हमरे यहाँ भारत देश में आदिवासी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट 2011 में एक जजमेंट देते हुए कहा कि यहाँ जे ट्राइबल मना है भारत देश में ओहे मान यहाँ के मूल निवासी है का आदिवासी है का लेकिन सरकारी दस्तावेज में एक हम तक आदिवासी शब्द के इस्तेमाल ऑफिशियल तौर से व्यवहार करल नहीं जा है से लेकिन आज के दिन के मनाए चाहिए और दुनिया के देश के राइस के बताए कहे कि हमरे आदिवासी मन यहाँ आही भारत देश में हमरे आही और यदि हमरे आज के दिन के पालन नहीं करा बोले शायद हमरे समाज के सरकार के बताए कि नहीं बरब कि आए मने आदिवासी मन यहाँ है ये तो खाली मनाई के और दूसरा दूसरा फोरम में भी हमार से चिट्ठी जाए चाहिए कि हमरे यहाँ के आदिवासी है कि ईमान के हमरे मन के रखे गए दूसरा बात यहाँ पांच पंचायत में जे जमीन अधिग्रहण का मुद्दा चला थे रौरे मन के जमीन के जो समस्या है उकर बारे में दुई शब्द कह दूं से जमीन जगह बचाए के संघर्ष रौरे मन करा थी जमीन अधिग्रहण में दुई अहम मुद्दा है जेके जे बरा सरकार जमीन अधिग्रहण करे दुई बात के नियम के अनुसार पालन करे जरूरी है कि बहुत सारा है लेकिन दुई जे रौरे मन के हाथ में आए पावर को रौरे मन के हाथ में आए दुई कदम के में रहे मन के बताए खोजन जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया के
शुरुआत ही के ग्राम सभा के मंजूरी, ग्राम सभा के कंसेंट, ग्राम सभा का कंसेंट लेना जरूरी है। जमीन अधिग्रहण कानून धारा 41 के सुपर आयत करब, कभी भी सरकारी दफ्तर में जब सेक्शन 41 के पढ़ू कहा जमीन अधिग्रहण के, और यहाँ कहा जाए कि पांचवी अनुसूची एरिया में ग्राम सभा के कंसेंट ले जरूरी ही के, देर शाल बी कंसेंट ऑफ ग्राम सभा, मतलब कानूनी भाषा में हमारे जेबरा कहें मतलब लेजेक ही चाहिए। पांचवी अनुसूची एरिया में जेबरा जमीन अधिग्रहण हुए ग्राम सभा के कंसेंट का, ग्राम सभा कंसेंट देला की दूसरा प्रक्रिया कर सब कुछ के नहीं बता, वो खाली जे दुई अस्त्र और मन के हाथ में है बता दो। एक होला ग्राम सभा के मंजूरी, दूसरा होला जी जे जमीन मुहर मनाही उमन के कंसेंट दरकार, उमन के कंसेंट जे फॉर्म में दरकार, जेबरा आपके ही फाइल करल गला सुंदरगढ़ लैंड एक्विजिशन ऑफिस में का जमीन मुआरमत अपन मंजूरी के दे है कि नहीं, दस्तावेज में निकलक कि काय जान दे है, और यहाँ कते खर्च चाहिए 80% यदि जमीन मुआरमत अपन मंजूरी के देवाए होले खाली उमन जमीन अधिग्रहण के प्रक्रिया के आगे बढ़ावाए। अब ये दुई छू कदम पूरा नहीं करते हुए भी गैर कानूनी ढंग से जमीन अधिग्रहण के प्रक्रिया के मन आगे बढ़ा लाए, और एखन का करल जाते जे जे बेटी बहन मान बाहरे जा है शादी ब्याह होई के बैस जा है मोल जा है जा है उमन के छुआ पुता मन के लाइन के उमन सिग्नेचर करवा था है, और विशेष करके आदिवासी पारंपरिक कानून हिसाब से जे बेचल बेटी जहां भी आहे मोइर गेलक हेज गेलक उमन के छुआ पुता के अधिकार नखे हिया, ये आदिवासी पारंपरिक कानून ही के। लेकिन एखन का कानून चलाते हिंदू उत्तराधिकारी कानून के इमन माइंड के चलाते है सो बड़ा से, लेकिन आई जी के जाने जरूरी के दस्ता है रावरे मन जब ऑफिस जा भी के कहा दयामणि बारला जी के हमरे मन अनुरोध करी कि आज हमार बीच में दूसरा बेर आ है जे संदेश अपन बार से तैयार कर है ओके हमार बीच में रखवाए, और हमरे मन के जोरदार ताली दे के मन के न्योता कर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको जानकारी के लिए बता दूं, दयामणि माँ बहुत अच्छे बात की हैं, लेकिन स्पीच बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसके कारण इस वीडियो में मेंशन नहीं किया जा रहा है। दयामणि माँ के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जो कि ओनली फॉर स्पीच रहेगा।
समझ के दिल से जाना।